भाई जूडियो आ चुके हैं सामने है। बोला तो साला का रेट कम करते हैं। सूरज तक कितने प्यारे दिख रहे हैं। यहाँ हम दो रुपए कपड़े लेकिन सामान यहाँ के सब भाई जी टाइप का ले रहा है। लड़की लाओ कहीं भी कोने में बैठ जाओ भाई। जा रहे चीजें पर महंगा बहुत है। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो अभी सीन है कि अभी मैं जा रहा हूँ संजय के साथ बेस्ट प्राइस। थोड़ा सा हमको कुछ चीज का प्राइस देखना है और अगर सस्ता रहा तो लेके भी आना है। तो संजय बाहर खड़ा है, उसकी स्कूटी में भी हवा कम है तो फटाफट चलते हैं, हवा डलवाते उसके बाद आगे निकलते हैं। बाकी मिलते हैं आप लोग रास्ते, क्योंकि बार बार चिल्ला रहा, आधे घंटे से आगे चिल्ला रहा है। चलते फटाक से मिलते हैं आप लोग रास्ते में। अभी आ चुके हैं हम कैपिटल मॉल, क्योंकि यहाँ हम थोड़ा जूडियो बजाना चाहते थे। तभी जूडियो बजा रहे, देखेंगे कुछ कपड़े और हुडी टाइप की अगर सस्ती मिलेगी तो ले लेंगे। क्या बोलता है, तू भी लेगा? मैं ले लूंगा, कुछ पैसा पड़ा है, कुछ पैसे पड़ा है तो ले सकता हूँ मैं। तभी चलते आगे, ठीक है भैया। जूडियो आ चुके हैं सामने है, जूडियो चलते अंदर। ये वाला भैया जूडियो स्टूडियो चढ़ चुके हैं हम दोनों भाई। अभी हम दोनों भाई कपड़े ढूंढने की कोशिश करेंगे। पल्ले दिख रहा सही टाइट है। तो दोस्तों अभी जूडियो के अंदर आ चुके हैं, यहाँ हम ढूंढ रहे कपड़े। हमको हुडी टाइप के लिए दिख रही, संजय कुछ अजीब टाइप का लेगा। ये देखो संजय अजीब टाइप का ले रहा है, इसका अजीब ही है भाई। बाकी हम देख रहे हैं और देखते हैं क्या पसंद है, कुछ अगर आया तो ले लेंगे, रेट कम हुआ तो, नहीं हुआ तो नहीं लेंगे। बाकी ये थोड़ा सा अजीब नहीं लगते तेरे को? और जूड़ी और यहाँ से एक ही सूज लो, सूज बस 1000 रुपये का मिल जाएगा तुम्हें यहाँ पे भाई। अभी हम रेट देख रहे हैं भाई, यहाँ रेट जितना है ना, ये देखो बहुत महंगा लग रहा है हमें सारी चीज़ों के। यहाँ रेट जूड़ियों पर, इधर भी। ये कौन है भैया? यहाँ से हम जाने लगे हैं, अभी हमें बेस्ट प्राइस जाना है ना, भाई बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। स्टूडियो से निकल चुके हैं, अभी चल रहे हैं हम बेस्ट प्राइस फटाक से, क्योंकि वहाँ पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। टाइम हमको वहाँ पास टाइम एडजस्ट करने के लिए भी नहीं है। यहाँ पहले जैसा था आपूर्ति था तो वहाँ कपड़े सस्ते मिल जाते थे, और वो भी बंद हो गया। आपूर्ति वो बंद हो गया तो यहाँ इसी जगह इनके रेट ज़्यादा हाई फाई हो गए। वो भी बंद हो गया तो यहाँ रेट की एल लग चुके हैं। किराना मॉल, सारी मॉलों की लाइटें बंद है क्योंकि यहाँ कुछ चलता ही नहीं है, कुछ चलता ही नहीं है। तुम लड़की लाओ कहीं भी कोने में बैठ जाओ भाई, कहीं भी तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा ना, कोई कैमरा कैप्चर करेगा। ये देखो मार्केट में 99। चलो ही बेस्ट प्राइस आ चुका है इसका ना, फ्लिपकार्ट के नाम से हो चुका है। तभी आगे एंट्री गेट होगा वहाँ से अंदर जाएंगे हम। ये आ चुका है, ये थोड़ा वीडियो से जैसे लगता है यहाँ आने पे कि संजय। चलो अभी अंदर चलेंगे, अभी हम यहाँ से पैसे निकाल रहे हैं। पैसे निकालने के बाद हम जाएंगे आगे अंदर साइड, और अंदर साइड देखेंगे सामान के क्या कैसा प्राइस है। अगर जो सही प्राइस लगेगा ले लेंगे, क्योंकि भाई सही बोल रहा हूँ ना, सही बोल रहा हूँ। बिल्कुल। चलो भाई थोड़ा सा अगर लाइट मिल जाए तो मेरा कैमरा खुद आईफोन बन जाता है। अभी यहाँ चलते भाई कसम से विदेश लग रहा हूँ मुझे। इधर सूरज देवता भी डुबते जा रहे हैं और बाकी इधर से ऐसा लग रहा है मैं कहीं बाहर आया हूँ शॉपिंग वॉपिंग करने। बढ़िया है, अभी अंदर चलते हैं, रेट वेट देखते हैं अंदर। पता नहीं वीडियो बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, जितना होगा थोड़ा बहुत शूट करके दिखा देंगे सीधे जाके। लो भैया बेस्ट प्राइस के अंदर आ चुके हैं भाई, कैसा दिख रहा है ये? तो भाई अभी इधर आगे भाटा करें भाई, सब कुछ दिख रहा है इधर, अभी हमें हर चीज़ दिख रहा है भाई। हम यहाँ सोच के आए थे बहुत सस्ता मिलेगा, क्यों संजय भाई? और बहुत महंगा सही भाई, सारी चीज़ें महंगी, पता नहीं क्यों महंगी है, महंगी है। अभी बड़ा बहुत है, सारे चीज़ें हैं पर महंगा बहुत है दोस्तों। हमको लगा था बेस्ट प्राइस सस्ता मिलता पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लो भाइयों अभी मैं एक एक चीज़ की रेट देखते जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा महंगा है भाई। कौन कहता है बेस्ट प्राइस सस्ता है? कौन कहता है बेस्ट, कौन सा वाला दे रहा है तेरे को बेस्ट प्राइस? जो साला बोल रहा है सस्ता मिलता है, देख लो इतना बड़ा है, इतना सामान भरा, कुछ सस्ता नहीं देता साला। देखो भैया सूरज देवता को कितने प्यारे दिख रहे हैं, खड़े होकर देख लो। आ चुके बेस्ट प्राइस से बाहर, जो बोल रहा था साला के रेट कम मिलते हैं, ये रहता है ये रहता है, भाई को गुमराह में डाला था उसको संजय भाई दो शब्द बोलेंगे एल एल। अभी आज चल रहे बाहर, अभी हम गाड़ी उठाएंगे घर निकलेंगे भाई। तो भैया गाड़ी पास आ चुके हैं, शॉपिंग वॉपिंग करके संजय भाई ने करोड़ों की शॉपिंग कर ली है। अब गाड़ी उठाएंगे भाई और घर निकलेंगे अपने। नहीं ये सस्ता सब महंगा है वाला, भले इसको इससे जैसे बना के रखा है ना उसका रेट ले रहे हैं ये लोग, क्यों संजय? बड़ी अच्छी बात है ना, जैसे बना के रखा है इन चीज़ों का रेट ले रहे हैं भाई ये लोग। चलते हैं अभी अपन यहाँ से बाहर, ठीक है। भाई अभी हम चश्मा लेने हैं भैया के पास, चश्मा लेंगे रेड करवाएंगे। हमें चश्मा लेने में मज़ा नहीं आया है, अब हम वापस से गाड़ी में बैठ के निकल रहे हैं। यहाँ पे आ चुके और सामने देखो कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है, भोपाल है पॉल्यूशन होने लगा भाई, जो कहता था नहीं हो रहा।
बंद कर दो भैया पुरानी गाड़ियाँ चलाना, अब BS6 चलाओ ओनली। क्यों संजय भाई? और क्या, ये जो पुरानी है हाँ इलेक्ट्रिकल चलाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा भाई यहाँ पे। ये देखो कोहरा पूरा दिख रहा है, ऐसे लग रहा है साला तो ठंड पड़ रही है। लोग भाई अभी घर आ चुके हैं, अभी चलते ऊपर। ऊपर से अभी मुझे लाइट भी जलाना है क्योंकि घर पे कोई नहीं है, तो लाइट भी नहीं जली है, तभी चलते फ्रेश लाइट जलाएंगे और अभी देखते काम को शूट करने जा पाएंगे, जीवन जा पाएंगे, मुझे तो नहीं लग रहा, तभी देखते पहले चल के। ठीक है चलते ऊपर और देखते क्या करना है।